आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले यानी आज जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे आए हुए हैं तो आप पहले पार्ट फर्स्ट को देख लीजिएगा। वो पार्ट सेकंड की आज बात करने वाले हैं। भाई कैलेंडर की यदि बात करेंगे तो कैलेंडर में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला देखा था साधारण वर्ष, है ना। साधारण वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया था, साधारण वर्ष हमारा कंप्लीट हो गया था। साधारण वर्ष की यदि बात करेंगे भाई साधारण वर्ष होता क्या है, है ना, साधारण वर्ष होता क्या है तो साधारण वर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ऐसा वर्ष जो कि चार से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है साधारण वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। यानी ऐसा वर्ष जो कि चार से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे कि यहां हम लोगों ने बात किया था 1947, कौन सा वर्ष है? 1947 है। यदि 1947 में डिवाइड यदि हम भाग लगाएंगे, चार का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका चार चौका 16, बचा कितना 3, ऊपर से उतारे 9, 9 चौका 36, ऊपर से फिर उतारेंगे 3, इधर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 36, यानी एक शेष बचेगा। अब मुझे ये बताइएगा ये एक जो आपका शेष पल बचा हुआ है तो दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया वर्ष कौन सा है? हमारा साधारण वर्ष है। ऐसा वर्ष जो कि चार से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। अब ये एक शेषफल बचा हुआ है तो एक शेषफल बचा हुआ है तो दिया गया वर्ष कौन सा है? हमारा साधारण वर्ष है। फिर इससे आगे हम लोगों ने बात किया था कि साधारण वर्ष में होगा क्या, तो साधारण वर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था टोटल दिनों की संख्या 365। टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी? 365। उसके बाद में आगे देखा था टोटल सप्ताह यानी कुल सप्ताह की संख्या 52 होती है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। फिर देखा था साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी का जो दिन होगा वही आपका 31 दिसंबर का दिन होगा। कहने का मतलब यह है यदि 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। फिर इसके अंतर्गत देखा था कि यदि साधारण वर्ष में भाई यदि पूछ लिया जाए कि साधारण वर्ष में फरवरी महीना कितने का होता है, अधिकतर टाइम ये पता नहीं होता कि फरवरी महीना किस वर्ष में कितने दिनों का होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों हमें हमेशा ध्यान रखना है साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिनों का होता है, बाकी लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिनों का होता है। कितने का होगा? 29 दिनों का होगा। साधारण वर्ष के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी भाई क्वेश्चन, यहां से यदि क्वेश्चन की बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष होगा। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है सन 2004, सन 2008, सन 2012, सन 2012, सन 2014, सन 2016, दिए गए वर्षों में कौन सा साधारण वर्ष होगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष होगा। कहने का मतलब ये है दिए गए वर्षों में चार से डिवाइड करना है, चार से डिवाइड करना है। अब मुझे ये बताइएगा 2004 में चार से डिवाइड करेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों सन 2004 में चार का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा तो क्या दिया गया वर्ष साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? क्या दिया गया वर्ष लीप वर्ष है? साधारण वर्ष नहीं होगा। सन 2008 की बात करेंगे, चार से पूर्णतया डिवाइड होगा, मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया वर्ष साधारण वर्ष नहीं होगा, दिया गया वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। सन 2012 में चार से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा, दिया गया वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। सन 2014 की यदि बात करेंगे, सन 2014 में चार से पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है ये अंक सम व विषम होने से फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों चार से हमें भाग लगाना है, यदि पूरी पूरी बार भाग चला जाता है
तो हमारा लीप वर्ष होगा, पूरी पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो दिया गया वर्ष क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। सन 2016 की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चार का पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा, दिया गया वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। तो निम्नलिखित में से हमें बताना था कि साधारण वर्ष कौन सा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आप लोगों का सन 2014। 2014 क्या हो जाएगा आपका, 2014 साधारण वर्ष हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और बात करते हैं। जैसे इसके बाद में देखा था हमने लीप वर्ष, अब लीप वर्ष में क्या क्या हो सकता है, हाँ लीप वर्ष में क्या क्या हो सकता है, तो लीप वर्ष से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये कैलेंडर का पार्ट टू है। कौन सा पार्ट है हमारा, पार्ट टू है, पार्ट सेकंड पार्ट है ना, पार्ट नंबर सेकंड है कैलेंडर का, ठीक है। इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको बिल्कुल डिटेल पढ़ना है, वन बाय वन पूरा कवर करना है, तो आप पार्ट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पार्ट सेकंड में हम कुछ क्वेश्चन के बारे में, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। अब लीप वर्ष से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष होगा, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले ऑप्शन कितने दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं चार। कितने दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे टोटल चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, चार। सबसे पहले सन 2014 में आप भाग लगाइएगा चार का, यानी चार से डिवाइड करना है। क्या चार का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है क्या, सम व विषम मैटर नहीं करता। यदि आप सोच रहे हैं कि 14 लास्ट में दिया हुआ है, अंतिम दो अंक सम दिए हुए हैं, तो दिया गया वर्ष आप लोगों का लीप वर्ष हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चार से यदि डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 आपका शेषफल बचेगा, तो दिया गया वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लीप वर्ष यानी ऐसा वर्ष जो कि चार से पूर्णतया विभाजित होता है, यानी चार का पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। 2014 में भाग लगाया चार का, पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, दिया गया वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है। हमें बताना यह है लीप वर्ष कौन सा होगा। 2018 में भाग लगाएंगे चार का, 4 × 5 = 20, 4 × 16, 2 शेष बच रहा है, दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है। फिर आगे की ओर बात करेंगे, सन 2020, 2020 में भाग लगाएंगे चार का, यानी डिवाइड करेंगे चार से, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, दिया गया वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है। 2020 हमारा लीप वर्ष निकल के आया, तो निम्नलिखित में से आंसर कौन सा होगा, 2020 होगा। 2022 दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 2022 को भी देख लीजिएगा, दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। इससे आगे यानी लीप वर्ष से और कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष होगा या लीप वर्ष नहीं होगा, चार से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड हो जाता है लीप वर्ष कहलाएगा, डिवाइड नहीं होगा लीप वर्ष नहीं होगा। अब देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन होने वाला है, लीप वर्ष में, अगला क्वेश्चन है लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। 366 क्यों होगी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ फरवरी महीना 29 दिनों का होता है, यानी फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। मेरे प्यारे दोस्तों लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है, लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिनों का होता है, एक दिन यहां बढ़ने की वजह से कुल दिनों की संख्या 366 हो जाती है। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों का,
कुल सप्ताह की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में एक समानता है, वो होगी सप्ताह की समानता, यानी कुल सप्ताह की संख्या 52 ही होगी। और यदि पूछ लिया जाए अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या या विषम दिनों की संख्या 2 होती है। आशा करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा। अब बात करने वाले हैं लीप वर्ष में प्रथम दिन व अंतिम दिन। लीप वर्ष में यदि प्रथम दिन मान लीजिएगा 1 जनवरी को रविवार है, मान लीजिएगा 1 जनवरी को रविवार है, 31 दिसंबर को सोमवार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर आपने पहले बताया, ये ना साधारण वर्ष में बताया कि जो प्रथम दिन होगा वही आपका अंतिम दिन होगा, यानी 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा, तो यहाँ सोमवार कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों छोटी सी बात याद रखना है, लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन बढ़ जाता है, यानी 1 जनवरी को यदि रविवार होगा तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सोमवार होगा। लीप छोटी से छोटी बातें कवर करते चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक यानी जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। पार्ट सेकंड के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चन को समेट के हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर लिया है। अब इससे आगे क्वेश्चन होगा आपका, जैसे मान लीजिएगा दिया गया है यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? यदि आप लोगों को पता है, यानी बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन बढ़ जाता है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर सीधा सा निकल के आएगा आपका बुधवार होगा। बुधवार क्यों होगा मेरे प्यारे दोस्तों? साधारण वर्ष की अपेक्षा लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष की अपेक्षा लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, यानी यहां यदि मंगलवार होगा, यानी प्रथम दिन 1 जनवरी को मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर यानी अंतिम दिन को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैलेंडर निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहला था हमारा महीनों के कोड। सबसे पहला क्या था? महीनों के कोड। उनको याद करने के लिए हम लोगों ने देखा था 144, 025, 036, 146, ये हमारे कोड थे। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3,
सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4 और दिसंबर का कोड, मेरे प्यारे दोस्तों दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारे थे महीनों के कोड। लीप वर्ष में जनवरी व फरवरी दोनों के कोड चेंज हो जाएंगे। लीप वर्ष में जनवरी का कोड होगा 0, लीप वर्ष में फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखा था दिनों के कोड, तो दिनों के कोड हमारे 0 से स्टार्ट होंगे। 0 शनिवार, 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, 4 बुधवार, 5 गुरुवार, 6 शुक्रवार। 6 क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। 0 शनिवार का होगा, 0 शनिवार का होगा, रविवार का 1 होगा, सोमवार का 2 होगा, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6। कहने का मतलब यह है, जब हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, वो पुट करने के बाद शेषफल हमारा यदि 0 होगा, हमारा आंसर शनिवार होगा। यदि शेषफल 1 होगा, हमारा आंसर रविवार होगा। शेषफल यदि 2 होगा, आंसर सोमवार होगा। शेषफल 3 व 4 होगा, आंसर हमारा मंगलवार व बुधवार होगा। शेषफल यदि 5 होगा, आंसर गुरुवार होगा। शेषफल यदि 6 होगा, आंसर आपका शनिवार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद में शताब्दी के कोड, तो शताब्दी के कोड के लिए 6420 एक ट्रिक था, तो जाएगा 1600 का, 2018 का, 0 जाएगा 1900 का। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके यदि आगे जाएंगे 6420, इसके पीछे जाएंगे 6420, ये हमें याद रखना है। ये हो जाएगा 2000 का, ये हो जाएगा 2100 का, ये हो जाएगा 2200 का और अंतिम हो जाएगा 2300 का। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। फिर देखा था फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के अंतर्गत हमें करना क्या था, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। सबसे पहले लिखना था तारीख प्लस, फिर लिखना था महीने का कोड प्लस, फिर लिखना था शताब्दी का कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक के बटे में 4 और सभी के बटे में 7। जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई सी भी तारीख आप लोगों को दिया हुआ है कि बताना है 16 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो तारीख हो गई हमारी 16। तारीख क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। महीने का कोड महीना है जनवरी का, जनवरी का कोड हमें पुट करना है। जनवरी के कोड के बाद में शताब्दी का कोड, यानी शताब्दी कौन सी चल रही है, शताब्दी का कोड पुट करना है। वर्ष के अंतिम 2 अंक को पुट करना है, वर्ष के अंतिम 2 अंक के बटे में 4। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष के अंतिम 2 अंक, जैसे मान लीजिएगा दिया गया है 2017, कितना दिया गया है 2017, 2017 में 4 का भाग लगाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताइएगा, चारू पंजे 20 हो गया, कितना हो गया, चारू पंजे 20 हो गया, इधर हो गया 4 चौक का 16, ये हो गया आपका वर्ष के अंतिम 2 अंक के बटे में 4। अब ये 2017 है तो अंतिम 2 अंक क्या होगा आपका, 17 हो जाएगा। अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 के बटे में 4। अब मुझे ये बताइएगा, 17 दिया हुआ है, 17 के बटे में 4 आया, ये ना 4 से हमें डिवाइड करना है, 4 चौक का 16, कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड हुआ,
तो यहाँ वैल्यू चार को लिखना है, यहाँ वैल्यू क्या करना है, चार को लिखना है। या ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जैसे मान लीजिएगा 17 में डिवाइड किया चार का, चार चौका 16, बचा कितना एक, ऊपर पॉइंट लगा दिया, क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, जीरो उतार दिया, चार दुना आठ, बचा कितना दो, फिर जीरो उतार दिया, चार उपंजी 20। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका भी रीजन जान लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतना बताइएगा, कभी भी पॉइंट में दिन हुआ है क्या, अरे पॉइंट में कभी सूर्योदय हुआ है क्या कि आज मैं 15 मिनट उगूंगा, या आज मैं 10 मिनट उग के बंद हो जाऊंगा, या आज वापस से 10 मिनट या आधे घंटे के लिए आऊंगा, ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है। पॉइंट में कभी, यानी पॉइंट में यानी समय का आधे भाग में कभी भी दिन व रात नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सा ध्यान रखना है। ये पॉइंट में वैल्यू पुट नहीं करना है, यदि आप पॉइंट में लेके आते हो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीधा सा ध्यान रखना है, जितनी बार भाग जा रहा है ईमानदारी से, जितनी बार डिवाइड हो रहा है वही हमें पुट करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। चलिए ये यहीं पे लिखे लिखा रहने देते हैं, यहां से आपको समझ में आता भी रहेगा ना। यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं दिनों के कोड, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर लिखता हूं 6। ये हो जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। जीरो, रविवार एक, सोमवार का दो, मंगलवार का तीन, बुधवार का चार, गुरुवार का पांच, इधर शुक्रवार का हो जाएगा 6। शुक्रवार का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब यहां शताब्दी का भी लिख देता हूं 64 20, ये भी भाई याद रह जाएगा, 1600 1700 1800 1900। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का 17 अक्टूबर सन 2013 को कौन सा दिन था। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था मेरे प्यारे दोस्तों। करना क्या है, देखो तारीख के ऊपर जाना है, सबसे पहले हमें यह करना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, यही सोचना है पूछ क्या रहा है। 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, हमें दिन बताना है कौन सा दिन होगा। हमें दिन निकालने के लिए सबसे पहले महीनों के कोड याद होना जरूरी है, रटना नहीं है, सिर्फ हमें जितना हमें याद करने के लिए बताया गया है वो आप लोग याद कीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है। समझने पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतनी ही जल्दी समझ में आता चला जाएगा। 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूले की यदि बात करेंगे तो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले तारीख को लिखना है, फिर महीने के कोड को लिखना है, फिर शताब्दी के कोड को लिखना है, वर्ष के अंतिम दो अंकों को लिखना है, वर्ष के अंतिम दो अंक के बटे में चार लिखना है, सभी के बटे में सात लिखना है, सात से डिवाइड करना है, जो आप लोगों का आंसर होगा वही, यानी जो शेषफल होगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से देख लीजिएगा क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है। देखो 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन था, तारीख लिखना है,
सबसे पहले तारीख क्या हो गई 17, महीने का कोड तारीख को लिख दिया, महीने का कोड मेरे प्यारे दोस्तों महीना कौन सा है अक्टूबर का, अक्टूबर का कोड क्या होगा यहां से देखिएगा, अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर का कोड 1 लिख दिया। शताब्दी का कोड, अब शताब्दी कौन सी चल रही है 2000 चल रही है, कौन सी चल रही है 2000 चल रही है, भाई क्वेश्चन में 2000 दिया हुआ है 2000 चल रही है, 2000 का कोड क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने ये शताब्दी के कोड जो लिखवाए हैं इन कोड के अंतर्गत यहां तो 1900 तक ही है, भाई यहां तो 1900 तक ही है, आप 2000 की बात कर रहे हो तो हमें यही वाली संख्या वापस रिपीट करना है, यहां हो जाएगा 6 होगा मेरे प्यारे दोस्तों 2000 का, 4 हो जाएगा 2100 का, 2 हो जाएगा 2200 का और 0 हो जाएगा 2300 का। और भी यदि आगे जाना है मेरे प्यारे दोस्तों इसी संख्या को 1 by 1 रिपीट करते चले जाना है, देखो तारीख को लिख दिया, महीने का कोड 1 को लिख दिया, शताब्दी का कोड 2000 भी शताब्दी है, शताब्दी का कोड 6 को लिख दिया, अंतिम दो अंक 13 है, अंतिम दो अंक वर्ष के अंतिम दो अंक 13 है, 13 को लिख दिया, यहां 13 के बटे में 4 हो जाएगा, सभी के बटे में 7 हो जाएगा। चलिए अब करना क्या है इससे आगे, भाई अभी सिर्फ समझा रहा हूं, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका सेकंड के अंतर्गत है ना, मिनट नहीं सेकंड के अंतर्गत आपका आंसर बाहर हो जाएगा। चलिए देखिएगा 17 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 13 के बटे में 4, अब ये 13 के बटे में 4 है तो 13 के बटे में 4 को क्या लिखेंगे, देखो 17 को 17 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया, 6 को 6 लिख दिया, 13 को 13 लिख दिया, 4 तिया 12 कितनी बार भाग गया 3 बार भाग गया तो 3 को लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों जितनी बार भाग जाएगा वही लिखना है, ठीक है, जितनी बार भाग जा रहा है वही लिखना है, ईमानदार बनना है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 17 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 13 प्लस का हो जाएगा 3, सभी को ऐड कर दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, फिर बटे में 7 या 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आपका शेषफल होगा वही आप लोगों का आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 3 और 3 का 6, 6 और 6 का 12, 12 और 1 का 13, 13 और 7 का 20, 13 और 7 का कितना होगा 20, 20 का हो जाएगा 0, कैरी कितना 2, अरे भाई हासिल का कितना आया 2 आया, 2 और 1 का 3, 3 और 1 का 4, मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कितना हो गया 40 हो गया, अरे टोटल कितना हो गया 40 हो गया। एक बार देखिएगा 3 व 3 का 6, 6 और 6 का 12, 12 और 1 का 13, 13 और 7 का 20, 20 का हो गया 0, कैरी कितना 2, 2 और 1 का 3, 3 और 1 का 4, टोटल हो गया 40, 40 के बटे में 7 हो गया। अब मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों यहां 40 के बटे में 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35, ये होगा 7 × 5 = 35, यानी कितनी बार भाग जा रहा है 5 बार भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिमाइंडर या शेषफल कितना बच रहा है, यहां से हम लोग शेषफल की बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शेषफल आपका कितना बच रहा है 5 बच रहा है, ये शेषफल आपका क्या बच रहा है 5 बच रहा है, तो जो शेषफल होगा वही आप लोगों का आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये 5 जो बचा हुआ है मुझे ये बताइएगा 5 में कौन सा दिन होगा, 5 में गुरुवार होगा, 5 में क्या होगा गुरुवार होगा, तो आप लोगों का आंसर भी क्या हो जाएगा गुरुवार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। गुरुवार जो दिया हुआ है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 1 by 1 क्वेश्चन करते चले जाएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के आंसर बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा एक बार और, 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन दिया गया है,
करना क्या था हमें फॉर्मूला याद है, याद है, याद है, फॉर्मूला याद है, तारीख को लिखना है, तारीख 17 हो गई, महीना अक्टूबर का है, अक्टूबर का कोड 1 हो गया, शताब्दी का कोड 6। मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है जौन सा सन दिया हुआ है वही आपकी शताब्दी हो जाएगी। कहने का मतलब यह है यहाँ 2013 था शताब्दी 2000, यदि यहाँ 1913 होता शताब्दी होती 1913, यदि यहाँ 1817 होता शताब्दी आपकी 1800 होती, यदि आपका यहाँ 1765 होता शताब्दी आपकी 1700 होती, यदि यहाँ 2435 होता तो यहाँ आपकी शताब्दी 2400 होती। हमें हमेशा ध्यान रखना है जो आपका स्टार्टिंग दिया हुआ है वही आपकी शताब्दी हो जाएगी। यहाँ शताब्दी कितनी हो गई थी 2000, 2000 का कोड लिख दिया 6। अंतिम दो अंक के बारे में देखना था, अंतिम दो अंक में 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, हमने 13 को लिख दिया। फिर 13 के बटे में 4, देखो वर्ष के अंतिम दो अंक के बटे में 4 यानी 4 से डिवाइड करना है। भाई बटे का मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड ही करना है ना, तो 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइएगा यहाँ 4 × 12 तीन बार हो रहा है डिवाइड, कितनी बार हो रहा है, तीन ही बार हो रहा है ना, कितनी बार हो रहा है, तीन ही बार हो रहा है। 4 × 12 तीन को लिखा, सभी को जोड़ दिया, बटे में लिख दिया 7, जो रिमाइंडर होगा जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। हमने पूरा कैलकुलेशन किया यानी ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया, जोड़ने के बाद टोटल जो हमारा आया वो हमारा कितना आया, टोटल आया हमारा 40, 40 के बटे में 7 हो गया, 7 × 5 = 35, बचा कितना 5, जो रिमाइंडर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 बचा, 5 किसका हो जाएगा, गुरुवार का हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो आंसर निकल के आया वो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 27 नवंबर, 27 नवंबर लिख देता हूं क्वेश्चन, 27 नवंबर 1966, 1966 को कौन सा दिन था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या निकालना है, ठीक है। 27 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था, यह क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 1966 में नवंबर माह का 27वां दिन कौन सा था। तो क्वेश्चन आपका कहीं भी हो सकता है, हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन के अंतर्गत क्या से क्या पूछा जा रहा है, हमें आंसर क्या निकालना है। तो देख लीजिएगा 27 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था, तो अब देखना यह है कि किस प्रकार से इसका आंसर लेके आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख को लिखना है, तारीख हो गई 27 प्लस कर दिया, नवंबर महीने का कोड, महीना है नवंबर का, नवंबर का कोड 4 होगा, कितना हो जाएगा, नवंबर का कोड 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 4 को लिखा, शताब्दी 1900 है, कौन सी है 1900 है, अब ही कुछ 2 मिनट पहले हमने बताया था कि जो शताब्दी दिया हुआ है वर्ष का जो अंतिम दो अंक होगा वहीं से हमें शताब्दी का पता लगाना है। यहाँ 1900 दिया हुआ है, शताब्दी हमारी 1900 हो गया, तो 1900 का कोड कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 का कोड 0 होगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमें 1900 का कोड 0 लिख दिया।
अंतिम दो अंक को लिखना है, अंतिम दो अंक को यानी वर्ष के अंतिम दो अंक को लिखना है, अंतिम दो अंक को 66 लिख दिया, प्लस 66 के बटे में 4 और सभी के बटे में 7 हो गया। मुझे इतना सा बता दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 66 में यदि 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना 2, ऊपर से उतारे 6, ये हो जाएगा 6 चौका 24, बचा कितना 2। ये बचे हुए से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार भाग जा रहा है उससे मतलब है। यहाँ 16 बार भाग गया, 16 चौक 64, कितनी बार भाग गया? 16 बार भाग गया। हमें 16 को लिखना है, कितने को लिखना है? 16 को लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। तो यहां हो गया 27 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 66 प्लस कितनी बार भाग गया? 16 बार, सभी को जोड़ दिया, बटे में हो गया 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमें निकालना था, इस प्रकार से हमें निकालना था और लिखना क्या था? तो लिखना हमें कितना था? 16 लिखना था, ये 16 लिखना था। सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, जो आपका शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा, यहां हम लोग बात करने वाले हैं 6 और 6 का 12, 6 और 6 का 12, 12 0 12, 12 4 16, 12 और 4 कितना होगा? 16 हो जाएगा, 16 और 7 का 23, 16 और 7 का 23 हो जाएगा, 23 का हो गया 3, कैरी कितना? 2, 2 और 1 का 3, 6 3 9, 9 और 2 11, टोटल हो गया 113, बटे में हो गया 7। मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ने की प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए। अधिकतर केस में जोड़ने में हम एक एक अंक को मिस कर देते हैं, वही हमें ध्यान रखना है। जोड़ना बिल्कुल सावधानी से है और एक ही बार में ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि एक ही बार में जो भी आपका आंसर हो वही आपका सही आंसर हो। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि एक ही बार में मैं जो लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल सही लिखने वाला हूँ। तो एक बार और मैं जोड़ के बता देता हूँ, 6 और 6 का 12, 12 0 12 4 16, 16 और 7 का 23 हो जाएगा, 23 का 3, कैरी कितना? 2, 2 और 1 का 3, 6 3 9, 9 और 2 11, टोटल मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया? 113, बटे कितना हो गया? 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना? 4, इधर हो गया 43, 7 छंका 42, 7 छंका 42, मेरे प्यारे दोस्तों बचा कितना? 1, अरे बचा कितना? 1, देखो 7 एकम 7, बचा कितना? 4, इधर हो गया 43 43, बचा कितना? 1। जो हमारा रिमाइंडर होगा वही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब यह है, यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आंसर क्या होगा? रविवार हो जाएगा। एक जो रिमाइंडर है, आंसर रविवार। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां 27 नवंबर 1966 दिया गया था, यदि मान लीजिएगा लीप वर्ष का कोई सा महीना होता तो उसके अंतर्गत क्या करने वाले हैं? तो लीप वर्ष का जो महीना होगा उसके अंतर्गत देखने वाले हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, ₹20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? क्या दिया गया है?
20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अंतर्गत क्या पूछा गया है, ठीक है, सबसे पहले यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अंतर्गत क्या पूछा गया है, वह क्या पूछने वाला है। यहां दिया गया है 16 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखना यह है, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है क्या? तो बिल्कुल 2016 जो दिया गया है यह हमारा क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। यानी 2016 20 फरवरी 2016 दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है? तो दिया गया वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में हम लोगों ने पढ़ा है कि लीप वर्ष में जनवरी व फरवरी दोनों महीनों के कोड चेंज होने वाले हैं। अब जनवरी व फरवरी में क्या जनवरी व फरवरी क्वेश्चन में दिया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ फरवरी दिया गया है और फरवरी माह लीप वर्ष में कोड बदल देगा, यानी बदला हुआ कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। आशा करता हूं आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन 1x1 बना पाएंगे व एक भी नंबर मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तारीख को लिखने वाले हैं। तारीख मुझे यह बताइएगा, तारीख क्या दिया हुआ है, ठीक है, तारीख का ध्यान रखना है। तारीख दिया हुआ है 20, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 20 को लिख दिया। फिर क्या लिखने वाले हैं, महीने का कोड, महीना फरवरी का दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन के अंतर्गत जनवरी और फरवरी दिया गया हो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों, यदि लीप वर्ष दिया गया है, महीना जनवरी और फरवरी का दिया गया है, ऐसी स्थिति में आपका कोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड कितना होगा, 3। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मैंने तीन को लिख दिया। अब लिखने वाले हैं शताब्दी का कोड। शताब्दी कौन सी है, 2000। शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 का कोड हो जाएगा 6। बोलो सर, ये सर 6 कहां से लिख दिया, तो 6 हमें देखना है, यहां कितना 6 दिया हुआ था, 6 काई का कोड हो जाएगा 2000 का, यहां 6 को लिख दिया। फिर हम देखने वाले हैं वर्ष के अंतिम दो अंक को लिखेंगे। वर्ष के अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष के अंतिम दो अंक 16 दिया हुआ है, प्लस का कर देंगे 16 और 16 के बटे में 4। अब ये 16 के बटे में 4 कहां से आया, यहां लिखा हुआ है वर्ष के अंतिम दो अंक के बटे में 4। मेरे प्यारे दोस्तों, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, सबसे पहले तारीख को लिखना है, फिर लिखेंगे महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष के अंतिम दो अंक, वर्ष के अंतिम दो अंक के बटे में 4, यहां 16 को लिख दिया, बटे में 4, सभी के बटे में 7। जल्दी से ऐड कर दीजिएगा। ऐड यदि करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू क्लियर होना जरूरी है, यहां 4 चौक 16 कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार, तो हमें 4 को पुट करना है। 20 + 3 प्लस हो जाएगा 6, प्लस के 16, प्लस का हो जाएगा 4, सभी के बटे में 7। जितनी जल्दी कैलकुलेशन होगा उतनी ही जल्दी आपका आंसर बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि आप जोड़ने के लिए 1x1 बच्चों की तरह कैलकुलेशन कर रहे हो। ऐसा यदि आप लोग कर रहे हो बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सीधा सा यही ऐड कीजिएगा, आंसर आपका बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहां हो जाएगा 6 और 4 का 10, 10 और 6 का 16 हो जाएगा, 10 और 6 का 16 हो जाएगा, 16 और 3 का 19 हो जाएगा, 19 ही होगा, ना कि 0 होगा। यहां लिखा 9, केरी कितना, 1, हसिल का आया 1, 1 और 1 का 2, 2 और 2 का 4, मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कितना हो गया, 49, बटे में हो गया 7। यह कहने का मतलब यह है 49/7, 7 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताइएगा, 7 × 7 = 49, यानी 7 × 7 = 49, बचा कितना, 0। मैंने पहले ही कहा था, यदि शेष फल 0 होगा, आप लोगों का आंसर शनिवार होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों का आंसर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, शनिवार आप लोगों का आंसर निकल के आया, यही आप लोगों का आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इसी पे गौर करना है,
आंसर खुद ब खुद बाहर होने लग जाएंगे। चलिए अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है वो भी देख लीजिएगा। यदि क्वेश्चन में दिया गया है वर्ष 1957, ठीक है, वर्ष 1957 में अक्टूबर माह, शायद अक्टूबर माह हम पहले भी देख चुके हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है, छोड़ दीजिएगा, सितंबर देख लीजिएगा, सितंबर माह का वर्ष 1957 में सितंबर माह का दसवां दिन कौन सा था, दसवां दिन कौन सा था। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा वर्ष में क्या दिया हुआ है। भाई क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी हो सकता है, भावनाओं में नहीं बहना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है, वह किस बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ वर्ष तो दे दिया 1957, तारीख हो जाएगी 10, भाई दसवां महीना क्या होगा, दसवां महीना आपका दसवां दिन यानी क्या हो जाएगा, 10 तारीख हो जाएगी, 10 क्या हो जाएगी, तारीख हो जाएगी, महीना सितंबर का है, कहने का मतलब यह है 10 सितंबर 1957 को कौन सा दिन था, तारीख को लिख दिया, ये यहां तारीख को लिख दिया 10, भाई तारीख 10 हो जाएगा, दसवां दिन यानी 10 तारीख, 15वां दिन 15 तारीख, 5वां दिन 5 तारीख, पहला दिन 1 तारीख, अंतिम दिन, अब अंतिम दिन यदि दे दिया जाए तो हमें यह पता होना जरूरी है कि सितंबर माह कितने दिनों का होगा, लेकिन यहां 10वां दिन दिया हुआ है, तारीख दी हुई है 10, 10 को लिख दिया, प्लस कर दिया महीने का कोड। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आए महीनों के कोड की बात करेंगे, तो सितंबर का जो दिया गया है सितंबर का कोड कितना होगा, तो सितंबर का कोड हमारा हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देखो है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कोड हो जाएगा 6। फिर लिखेंगे वर्ष के अंतिम दो अंक लिखने से पहले यहां शताब्दी का कोड लिखना जरूरी है, शताब्दी 1900 है, शताब्दी क्या है 1900 है, 1900 का कोड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 का कोड 0 हो जाएगा। वर्ष के अंतिम दो अंक 57 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितनी बार होगा, 14 बार हो जाएगा, 14 बार डिवाइड हो गया। अब देखिएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, सभी को जोड़ दिया व 7 से भाग दे दिया, क्योंकि 57 के बटे में 4 होने वाला था ना, 57 के बटे में 4 होने वाला था, 4 से डिवाइड किया तभी हमारा 14 आया था। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 10, प्लस का हो गया 6, प्लस का हो गया 0, प्लस हो गया 57, भाग गया 14 बार, सभी को जोड़ना है, भाग लगाना है 7। अब मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमारा कुल जो होगा यानी टोटल जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, तो जल्दी से जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखो 7 और 4 के 11, 11 0 11 17, 11 और 6 का कितना होगा, 11 और 6 का 17, 17 0 17, 17 के हो गए 7, हासिल आया 1, 1 और 1 का 2, 6 और 2 के 7, 7 और 1 का 8, मेरे प्यारे दोस्तों टोटल हो गया 87/7। अब मुझे ये बताइएगा टोटल जोड़ने में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप 1/1 संख्याओं को लिख रहे हो वह लिखने के बाद जोड़ रहे हो, मेरे प्यारे दोस्तों ये आप सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। यदि इतना टाइम आप एक क्वेश्चन में लगाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के बाकी के क्वेश्चन खुद ब खुद छूटते चले जाएंगे, आप लोग आकर के यही बोलोगे कि मेरा पेपर छूट गया। मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस ही ऐसा करना है, एक ही बार में आंसर बाहर हो जाए, तो देखिएगा जल्दी से आंसर लाने के लिए आप सीधा सा वही काटिएगा, वही जोड़िएगा, यहां भी तो जोड़ा है 7 और 4 के 11, सीधा काट दिया 7 4 के 11,
11011417 के साथ, कैरी कितना एक, एक और एक का दो, दो पाँच सात, सात और एक आठ, टोटल हो गया 87, बाय हो गया 7, 7 वन जा 7। अब ये बताइएगा, सात एकम सात बचा कितना, एक ही बचाना, सात दो 14 कितना बचा, तीन बचा, अरे यहाँ आप काट दिया, सात एकम का सात बचा कितना एक, इधर हो गया सात, इधर हो गया 17, सात दो 14 बचा कितना तीन। अब जो रिमाइंडर जो बचा हुआ है, जो आपका शेष फल बचा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वही आप लोगों का आंसर होगा। मुझे ये बताइएगा शेष फल में कितना बचा हुआ है, शेष फल में तीन ही बचा हुआ था ना, शेष फल में कितना बचा हुआ था, तीन ही बचा हुआ था ना, शेष फल में यदि तीन बचा हुआ है, वहां से बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का आंसर मंगलवार हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं, आशा करता हूं यहां तक यदि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल एक अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो देखिएगा और जल्दी से आंसर मुझे बताइएगा। वर्ष 1996 में जनवरी माह का 24वां दिन क्या था, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। वर्ष दिया हुआ है 1996, 1996, वर्ष 1996 में जनवरी माह का 24वां दिन कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इतना सा बता दीजिएगा, वर्ष कौन सा है, दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, आपका आंसर उंगलियों के माध्यम से बाहर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वर्ष दिया हुआ है 1996, 1996, महीना दिया हुआ है जनवरी का, महीना कौन सा दिया हुआ है, जनवरी का, और दिन दिया हुआ है 24वां दिन, यानी तारीख हो जाएगी 24, तारीख कितनी हो जाएगी, तारीख आपकी 24 हो जाएगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं तारीख, तारीख हो गई 24, महीना हो गया जनवरी का। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताइएगा, जनवरी और फरवरी में मैच करना था, दिया गया वर्ष लीप वर्ष है क्या, तो 1996 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। अरे 1996 लीप वर्ष तो है, मुझे ये बताइएगा लीप वर्ष हुआ क्या, हुआ क्यों, 1996 में डिवाइड किया 4 से, पूरी पूरी बार डिवाइड हो रहा है ना, तो यहां यदि पूरी पूरी बार भाग चला गया, दिया गया वर्ष हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जनवरी का कोड 0 हो गया, शताब्दी 1900 है, 1900 का कोड 0 हो गया, अंतिम अंक 96 है, तो अंतिम अंक 96 को लिखा, 96 के बटे में 4 को लिखा, और ये हो जाएगा सभी के बटे में 7, जोड़ना है वह हमें भाग देना है, जोड़ना है वह हमें भाग देना है मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी बार भाग गया, 24 बार, 4 दुने 8, बचा कितना 1, इधर हो गया 16, 4 चौका 16, टोटल वैल्यू यानी कितनी बार हुआ, 24 बार, भाई 24 बार ही भाग गया ना, जितनी बार भाग जा रहा है वही हमें लिखना था, भाग गया 24 बार, 24 को लिखा, सभी को जोड़ दिया, सभी के बटे में 7 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हमें ऐड करना है, अब ऐड करेंगे 6 और 4 का 10, 10 0 10 0 10, 10 4 14, 14 का हो जाएगा 4, केरी कितना 1, 1 2 का 3, 3 9 का 12, 12 और 2 का 14, मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कितना हो गया 144, बटे में कितना हो गया 7। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी ही जल्दी आपके आंसर बनते चले जाएंगे।
यदि आप कैलकुलेशन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए वन बाय वन कर रहे हो, अभी भी साइन बना के भाग लगा रहे हो, या आप डिवाइड करने की वही प्रोसेस कर रहे हो जो पिछली कक्षाओं में यानी 9, 8, 10 इनमें करते आए हैं, मेरे प्यारे दोस्तों आपका पेपर छूटने के उतने ही ज्यादा चांसेस बनते चले जाएंगे। क्यों बनते चले जाएंगे? इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता, वहां पे आपको जल्दी से जल्दी आंसर लाने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। चलिए अब आगे की ओर बात करने वाले। अब जोड़ने में भाई क्या किया, क्या है जोड़ने में? 6 और 4 का 10 हो गया, 6 4 का 10 0 10 10 0 10 10 4 14 14 का 4 लिख दिया, केरी कितना आया? 1 आया भाई। 14 के 4 हासिल का 1, 1 2 का 3 9 3 12 12 और 2 का 14 टोटल लिख दिया 144 बटे में हो गया 7। मुझे ये बताइएगा 144 के बटे में 7 हो गया, 7 का भाग लगा दूंगा कितनी बार भाग जाएगा? 7 बार। 7 × 14 दो बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 × 14 दो बार भाग गया मेरे प्यारे दोस्तों, बचा कितना? 4 ही तो बचा। 4 को दिन क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जीरो से लेके हीरो तक सफर आपका जारी है। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी के और भी जो क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 3 में देखने वाले हैं। जय हिंद क्लास, नमस्कार।